कंप्लीट पायलट प्लांट। जैसा कि मैंने कहा कि अगर 100 किलो प्रतिदिन से कम करना है तो कुछ ऑपरेशन मैनुअल होने चाहिए, बाकी जैसे रोस्टिंग और पॉपिंग ये मैकेनिकली कर लेना चाहिए। अगर इससे बड़ी कैपेसिटी का प्लांट लगाते हैं तो सीफिट कंप्लीट पायलट प्लांट या कमर्शियल प्लांट स्टेब्लिश करने की टेक्निकल नो हाउ और मशीनरीज और उसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर कराता है। तो कंप्लीट पायलट प्लांट भी हम स्टेब्लिश करवा सकते हैं और इसमें सारी मशीनें होंगी और सारे ऑपरेशन मैकेनिकल होंगे या ऑटोमेशन में होगा। केवल एक जगह से प्रोसेस को कंट्रोल किया जाएगा। ये प्लांट अगर 50 केजी पर आवर की बात करते हैं तो तकरीबन 25 लाख का पड़ता है। इसको 2 या 3 मैनुअल लेबर स्किल्ड मैन पावर हो तो ये कंप्लीट प्लांट को ऑपरेट कर सकती है। मशीनें वही हैं और इसकी इफिशियंसीज अलग अलग हैं, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्राइंग और आपका पॉप मखाना की पैकेजिंग, ये सारे ऑपरेशंस, बीज के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं और कंप्लीट पायलट प्लांट हम देते हैं। इसको हम कंसल्टेंसी मोड में लेना चाहेंगे और जैसा सीफिट के रूल्स होंगे उसके हिसाब से हम कंसल्टेंसी दे सकते हैं, स्टैब्लिश करवा सकते हैं। सारी ट्रेनिंग जैसे कि अभी मैं बताऊं, ये इस समय भी एक लुधियाना के ही एंटरप्रेन्योर हैं, वो उन्होंने इस हमारे जो प्लांट यहाँ पे सीफिट में लगा हुआ है उसको कस्टम हायरिंग पे ले रखा है और 3 टन उन्होंने सीड मंगाया था बिहार से, जिसकी डेली, आज मेरे ख्याल से कल हमारा इस इनकी रोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो डेली उन पे काम कर रहे हैं। एक दूसरे एंटरप्रेन्योर आज आने वाले हैं शाम को, जो कि इस मशीन को ऑपरेट करने वाले हैं और इस प्लांट को ऑपरेट करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज।